यूपी के शाहजहांपुर में एक ओर जहां कोरोना चरम पर है तो वहीं कोरोना ड्यूटी कर रहे मेडिकल कॉलेज में 28 आउटसोर्सिंग मेडिकल स्टाफ की कॉलेज प्राचार्य ने तत्काल प्रभाव से सेवाएं समाप्त कर दी है। इतना ही नहीं, बीते 5 माह से उनको वेतन भी नहीं दिया गया और बिना नोटिस के उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई। नौकरी से अचानक निकल जाने से परेशान आउटसोर्सिंग मेडिकल स्टाफ ने आज जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर अपनी आवाज़ बुलंद करते हुए डीएम से न्याय की गुहार लगाई है। दरअसल मेडिकल कॉलेज शाहजहांपुर में आउटसोर्सिंग के माध्यम से नर्सिंग स्टाफ उपलब्ध कराने वाली कंपनी हर्ष इंटरप्राइजेस द्वारा कानपुर, बरेली, फरुखाबाद, सीतापुर सहित कई जनपदों के नर्सिंग स्टाफ को जनपद के मेडिकल कॉलेज में नौकरी पर रखा गया था, जिनसे पिछले कई महीनों से काम करवाया जा रहा है, लेकिन उनसे पिछले 5 माह से सैलरी नहीं मिल पा रही है, जिनकी वजह से बाहर से नौकरी करने आए करीब 28 स्वास्थ्य कर्मियों के आगे रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है। इस दौरान आउटसोर्सिंग मेडिकल स्टाफ ने बताया कि वह हर्ष इंटरप्राइजेस लखनऊ की ओर से शाहजहांपुर मेडिकल कॉलेज में लगाए गए थे। ज्वाइनिंग कराते समय उन्हें 16,000 रुपये सैलरी बताई गई थी और स्थायी रूप से शाहजहांपुर मेडिकल कॉलेज में कार्य कराने को बताया गया था, लेकिन ज्वाइनिंग के बाद से कोई सैलरी भी नहीं दी गई है और अब अचानक ये कहकर निकाल दिया गया कि कोरोना ड्यूटी के लिए उनको लगाया गया है। मेडिकल स्टाफ ने ये भी आरोप लगाया है कि ज्वाइनिंग से पहले उन लोगों से लाखों रुपए की घूस भी ली गई है जिनका उनके पास कोई सबूत नहीं है। पीड़ितों का कहना है कि इस पूरे खेल में हर्ष इंटरप्राइजेज और मेडिकल कॉलेज के लोगों की साठ गांठ है। प्राचार्य पैसों की डिमांड कर रहे हैं, अगर नहीं दिया तो नौकरी से निकालने की बात करते हैं। अब अचानक नौकरी से निकल जाने पर उनकी आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई है। वहीं जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने पूरे मामले की जांच कराकर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। उपरोक्त पूरे मामले पर प्राचार्य अभय सिन्हा का कहना है कि मेड मेडिकल कॉलेज की सेवा प्रदान कंपनी द्वारा 19 माह के कॉन्ट्रैक्ट पर रखा गया था, जिनकी सेवा समाप्त हो गई है, इसलिए इन्हें निकाला जा रहा है। हालांकि मेडिकल स्टाफ से बात कर 1 माह का कार्यकाल बढ़ाया गया है। वहीं जो आरोप लगाए जा रहे हैं उनके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि सेवा प्रदाता कंपनी का सेवा शुल्क रोका गया है, जिनके माध्यम से उपरोक्त स्टाफ की सैलरी दिलवाई जाएगी। आरती जी, किन समस्याओं को लेकर आज आप यहाँ कलेक्ट्रेट में डीएम साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हैं, क्या है पूरा मामला? हम लोग कल प्रिंसिपल के पास गए थे, हम लोगों से कहिए निकाल दे, सिर्फ मुँह से बोला है। आज दिन तक हम लोगों को कोई भी नोटिस नहीं दिया उन्होंने, बल्कि हम लोगों से ये कहा था तुम लोगों की कोविड में ज्वाइन करेंगे, लेकिन हम जब ज्वाइन करने आए थे तो हमें कोई ये कुछ बताया ही नहीं था कि हमारी कोविड में ज्वाइन होगी, और ये ना इंटरव्यू उन लोगों ने लिया ना कुछ भी। अब ये कह रहे ना तो तुम लोगों ने इंटरव्यू दिया और ऐसे कह दिया अपने अपने घर जाओ, और ना हम लोगों को 5 महीने की कोई सैलरी भी नहीं दी है। कितने लोग हो आप लोग? 28 लोग हैं जो है। किसके थ्रू ज्वाइनिंग हुई थी और किस कंपनी? हमारी ज्वाइनिंग हर्ष इंटरप्राइजेज कंपनी लखनऊ के द्वारा हुई थी, जो मतलब यहाँ आउटसोर्सिंग का टेंडर लेती है, हम लोग उसी के तहत आए थे। क्या इस नौकरी के लिए कुछ पैसे वगैरह भी दिए गए थे? जी। कितने? वो हमें नहीं पता, मेरे हस्बैंड ने दिए, वो 8 दिन तक मुझे पता नहीं चला कितना दिया है। कई महीने की तनख्वाह नहीं मिली आपको? हमें 5 महीने की सैलरी नहीं मिली, जबकि हम लोगों ने इतनी मतलब कोविड जब 2020 में था, हम लोगों ने इतनी मेहनत की है, उसके बावजूद भी हम लोगों को कोई सैलरी नहीं दी गई है, हैं? और उस टाइम अगर कोविड के तहत रखे थे तो उन लोगों को बताना चाहिए था। हम लोग क्यों ज्वाइन करते हैं? हम लोग कन्नौज से यहाँ आए हैं ज्वाइन करने, हम लोग अपने शहर में नहीं ज्वाइन कर सकते थे क्या? जो हम यहाँ ज्वाइन करने आएंगे कोविड में हम क्यों मरेंगे? हम अपने छोटे छोटे बच्चे छोड़ के यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं, हम लोगों को कोई सैलरी नहीं दी जा रही है। कल हमने जब प्रिंसिपल के पास जाके बात की तो हम लोगों से बोलने से पहले कहते इसका नाम लिखो, बोलती कौन है, वीडियो कौन बनाता है, उसका नाम बोलने नहीं देते, बिल्कुल आवाज बंद करवा देते हम लोगों की। आरती जी, लोग जाए तो जाए कहाँ, यार बताओ हम लोगों को। आरती जी, डीएम साहब से मुलाकात हुई क्या अभी? नहीं हुई हमारी बात, हम इसीलिए आए हैं, अगर आज हमारी बात नहीं सुनेगी कल से हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, रात दिन भूख हड़ताल करेंगे, हम मर जाएंगे, लेकिन हम अपने हक के लिए लड़ेंगे, हमेशा लड़ेंगे। जब तक हमें सैलरी नहीं मिल जाएगी, हमें नौकरी नहीं मिल जाएगी, हम यही लड़ते रहेंगे। दिया गया है क्या, कुछ समस्याएं इनके और किस संबंध में दिया गया? सर, ये लोग मेरे पास आए थे अपनी समस्याएं लेकर के। इनका कहना है कि हमें 6-6 महीने से एक भी सैलरी प्रोवाइड नहीं की गई है, इवन 8-10 महीने से ये लोग जॉब कर रहे हैं कंटिन्यू, और उसके बाद में बिना सैलरी के काम कराते रहे हैं। आश्वासन दिया जा रहा है कि हम सैलरी देंगे, आश्वासन दिया जा रहा है आप लोग परमानेंट हैं, लेकिन जब सैलरी की बात करने जाते हैं तो कहते हैं अभी प्रिंसिपल ने हमको कोई भी चीज़ प्रोवाइड ऐसी नहीं की है, हमारा बैलेंस नहीं आया है, जिसके कारण हम इनको कोई सैलरी अभी दे पाए। तो फिर ये जाकर के फिर अपने मालिक को बोलते हैं, वो कहते हैं कि हमें तो मना कर दिया है ड्यूटी करने के लिए, हम क्या करें।
ये कह रहे हैं आप हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है जो आपको ठीक लगे वो करें। कहाँ ये लोग जॉब कर रहे थे और किस तरह से इनके साथ फ्रॉड किया गया? ये लोग मेडिकल कॉलेज में जॉब कर रहे हैं, मेडिकल कॉलेज। अच्छा, बिना सैलरी के कोरोना फाइटर पूरे देश दुनिया में इनकी आवश्यकता है, इसके भी इनको बिना सैलरी के काम कराया जाएगा, ये क्या खाएंगे, क्या अपने परिवार को खिलाएंगे? तो इसलिए मैं अपनी लड़ाई के लिए सामने आकर के डीएम साहब से आज बात करने जा रही हूँ। क्या आगे कॉलेज में आज 28 नर्सों को नौकरी से निकाले जाने का मामला सामने आया है, क्या कुछ पूरा मामला है? ये जो नर्सेज हैं ये शॉर्ट टर्म के लिए रखी गई थी, एनएचएम के द्वारा रखी गई थी और इनका पेमेंट डीएम कार्यालय से हुआ था। ये इनका जो टेन्योर था ये अक्टूबर माह में ही खत्म हो गया था, अक्टूबर नवंबर मार्च तक ही, जब कोविड का जो पीक था उस पीरियड में रखी गई थी। ये शायद अगस्त के करीब, अगस्त सितंबर अक्टूबर इन माह तक के रखे गए थे, उसके बाद इनका सेवा स्वतः समाप्त हो गई थी। बल्कि जो लेटर हमने इशू किया था उसमें भी लिखा हुआ था कोई अलग से लेटर निर्गत नहीं किया जाएगा, स्वतः समाप्त मानी जाए। और वर्तमान में इनको पुनः रखा जा रहा है वो भी एक माह के, तो ना इनको एक शॉर्ट टर्म शॉर्ट कैप अरेंजमेंट है बस। तो उनके द्वारा जो एक आरोप लगाया जा रहा है सेवा प्रदाता कंपनी या जिसने भी उनको नौकरी पे रखा है 2,00,000 रुपए नौकरी में रिश्वत लेने का, इसमें क्या कुछ? इसमें जो सेवा प्रदाता एजेंसी है उसके अगेंस्ट इंक्वायरी भी बैठी है और वो इंक्वायरी अभी शासन की तरफ से की गई है। अपनी तरफ से एज ए प्रिंसिपल मेरा भी कुछ कर्तव्य बनता है तो मैंने इनकी जो सेवा शुल्क है जो करीब करीब 2,00,000 बनता है पिछले 2 माह से रोक लिया है, ताकि जब तक ये मामला निपट नहीं जाता तब तक इनका ये सेवा शुल्क रोक दिया जाए, रोका जाएगा। थैंक यू। यूपी के शाजापुर में ऑक्सीजन सिलेंडर की किल्लत से लोगों को राहत मिलती नजर आ रही है। ये तस्वीरें नोडल अधिकारी एवं सिटी मजिस्ट्रेट राजेश कुमार के कलेक्ट्रेट स्थित कार्यालय परिसर की है, जहां लोगों की ये भीड़ अपने मरीज के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर लेने आने वाले की है। लेकिन साहब तो पंचायत चुनाव में ड्यूटी कर रहे हैं इसलिए कार्यालय पर मौजूद नहीं है, जिसके बाद यहाँ आए लोगों ने जिला प्रशासन के सिस्टम पर तमाम सवाल खड़े कर दिए। लोगों का कहना है कि आज सुबह से करीब 150 प्रार्थना पत्र कार्यालय में आ चुके हैं लेकिन साहब के ना होने के चलते किसी को परमिशन नहीं मिली है। ऐसे में उन्हें गंभीर मरीजों की मौत का जिम्मेदार कौन होगा? आपको बता दें कि अभी जल्द ही ऑक्सीजन की किल्लत को दूर करने के लिए जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने सिटी मजिस्ट्रेट राजेश कुमार को नोडल अधिकारी नियमित किया है। उन्होंने कहा कि सिटी मजिस्ट्रेट के बिना परमिशन के किसी को ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑक्सीजन की कालाबाजारी और उसके भंडारण पर रोक जल्द लगाई जा सके, इसलिए जिला प्रशासन द्वारा ऐसे सख्त कदम उठाए गए हैं। लेकिन अब गंभीर मरीजों को भी ऑक्सीजन नहीं उपलब्ध हो पा रहा है, ऐसे में तीमारदारों में काफी रोष है। रवि जी ये बताइए, आप यहाँ आए हैं क्या कुछ समस्या है? समस्या क्या है सर, हमारा मरीज इतना इमरजेंसी में बीमार है कि हम यहाँ लेके आए और किसी अस्पताल वाले ने भर्ती नहीं करा। इमरजेंसी में यहाँ आए तो यहाँ भी देखा कोई नहीं, आप देखिए यहाँ कोई भी नहीं है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और सिलेंडर लेने के लिए आए हैं और 2 घंटे हो गए, कोई मतलब कुछ नहीं हो रहा है। मेरा नाम जीशान। जीशान जी ये बताइए, क्या कुछ समस्या है आप लोगों की, आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? समस्या ये, हम लोग यहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर लेने के लिए आए हैं, पिछले 1 घंटे से यहाँ पर खड़े हुए हैं, वहाँ बता रहे हैं कि साहब आए नहीं, अब ऑक्सीजन सिलेंडर इमरजेंसी चाहिए, डॉक्टर ने लिख कर दिया है, अब यहाँ पर साहब आए नहीं, साहब 1 घंटे में आए, 2 घंटे में आएंगे, 4 घंटे में, जब तक तो मरीज़ मर जाएगा। उनको बोल रहे हैं कि साहब है नहीं, जब साहब आएंगे तब देंगे लिख के, तब वहाँ जाएंगे लेने के लिए। अभी क्या करें, इमरजेंसी में सिलेंडर चाहिए, क्या करें, मरीज़ मर रहा है वहाँ, ये सब तमाम लोग आपके सामने खड़े हुए हैं, सब सिलेंडर लेने आए हुए हैं। कहाँ, किस जगह? चौक में। तो आप यहाँ आए हैं, क्या समस्या है? सिलेंडर चाहिए था, सिलेंडर की अवेलेबिलिटी नहीं हो रही है, साहब है नहीं, साहब का अभी रामलीला ग्राउंड में इलेक्शन ड्यूटी लगी है, वहाँ पे देखने गया था, वहाँ पे भी नहीं है, 1 घंटा वहाँ खड़ा रहा मैं, यहाँ पे 150-200 एप्लीकेशन रखी हैं, किसी को कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है, ये बोला जा रहा है साहब आएंगे, हम फोन करके आपको बुलाएंगे, पेशेंट मर जाएगा तब पेशेंट बुलाया जाएगा क्या? मेरा नाम है शिवम। कहाँ आपका पेशेंट एडमिट है? भैया होम आइसोलेशन में। होम आइसोलेशन, क्या समस्या है आपकी? कार्डिक पेशेंट है और बाजार सर्जरी हो रखी है, एप्लीकेशन यहाँ दे रखी है, यहाँ पे सुबह से 10 बजे से आके बैठे हैं, बाबूजी अब आएंगे अब आएंगे अब आएंगे, कुछ हो ही नहीं पा रहा है। ऐसे तो मतलब जितने सीवियर पेशेंट हैं उनका तो कैसे हो पाएगा, अरे ये हाल लास्ट प्रशासन नहीं तो सिटी मजिस्ट्रेट जी के ऑफिस में आप लोग खड़े हो, यहाँ कोई कार्रवाई हो रही नहीं हो रही? एप्लीकेशन लेके रख ली कल तो एप्लीकेशन भी नहीं जमा करी, सिलेंडर ही नहीं कल मिला, ऐसी चीज़ बताइए हम लोग कैसे सर्वाइव करें।
आनाइन भारत के लिए अरविंद त्रिपाठी की रिपोर्ट, शाहजहांपुर से।